Today's question about drugs is, can I drink alcohol and or eat non-veg while wearing Rudraksh? ये सवाल बहुत लोगों से मेरे पास आता है, जो भी मुझसे रुद्राक्ष खरीदता है या मुझसे लेता है तो मुझसे जरूर ये सवाल पूछता है, यदि वो ड्रिंक करता हो तो। इसका उत्तर मैं ऐसा दूंगा कि जब आप रुद्राक्ष पहनना शुरू करेंगे और पहनने के कुछ समय बाद, कुछ महीने बाद, हो सकता है कुछ सालों बाद में, यू विल फाइंड दैट द अट्रैक्शन फॉर अल्कोहल एंड नॉनवेज विल स्टार्ट रिड्यूसिंग एट ए स्टेज में कम जहां की आपसे पूरा छूट जाए। मैं नहीं कहता हूं कि रुद्राक्ष पहले पहनते समय चीजों का आप परहेज करें या ना खाएं, अपने आप पे कोई जबरदस्ती ना करें, लेट द थिंग्स हैपन इन अ वेरी नेचुरल वे, बिकॉज इफ यू ट्राई टू फोर्स योरसेल्फ यू आर कॉन्ट्राडिक्टिंग योरसेल्फ, यू आर क्रिएटिंग ए रिफ्ट विद इन योरसेल्फ। आपको बताया जाता है कि रुद्राक्ष पहनने से आप ये नहीं खा सकते, वो नहीं पहन सकते हैं, वो नहीं कर सकते हैं, तो जो आप कुछ जो करते हैं तो मन में एक गिल्ट पैदा होता है और एक अविश्वास पैदा होता है रुद्राक्ष के बारे में। तो हम ये एडवाइस नहीं देते हैं कि आप ये मत खाओ, वो मत पहनो, क्योंकि अलग अलग जगहों में अलग अलग खाने पीने का रिवाज है। यू सी द पीपल इन वेस्ट बंगाल, दे मे थिंक दैट फिश इज अ वेजिटेरियन डिश, जैसे दुर्गा पूजा में वो फिश को भोग लगाते हैं। यदि आप आइसलैंड में रहते हैं जहां कुछ मिलता नहीं है, वहां नॉनवेज मिलता है, वेजिटेबल वहां मिलता नहीं, मैं बोलूंगा वहां वेजिटेरियन बन जाए तो संभव नहीं होगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि जो वेस्ट बंगाल का है, जो आइसलैंड में रहता है, दे कैन नॉट वेयर इन सम काइंड ऑफ कस्टम्स एंड रिलीजन्स जो है कि दे ईट नॉन वेज फूड। जो बोले रुद्राक्ष पहनने से आप नहीं खा सकते हैं तो ये फिर गलत बात हो जाएगी। तो रुद्राक्ष को आप रिलीजन से या बिलीफ से इसको मत जोड़िए, इज अ पार्ट ऑफ स्पिरिचुअलिटी, नथिंग टू डू विद योर फूड हैबिट्स। आप वाइन पीते हैं या उसकी पीते हैं या क्या करते हैं, उससे रुद्राक्ष से कोई मतलब नहीं है। यदि आप ऐसे करेंगे तो देन यू आर स्टार्टिंग टू लिंक दिस थिंग्स टू द रिलीजियस बिलीफ्स। रुद्राक्ष किसी पर्टिकुलर संप्रदाय का, धर्म का उसके अधिकार में आता नहीं है। यू कैन नॉट से कि रुद्राक्ष जो हिंदू है वही पहन सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप मुस्लिम हैं, क्रिश्चियंस हैं, बुद्धिस्ट हैं, आप विष्णु को मानते हैं, कृष्ण को मानते हैं, आप जिसको भी मानते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे आपको फीवर है, पैरासिटामोल खाते हैं, तो पैरासिटामोल में कोई रिलीजन नहीं है, धर्म नहीं है। आपको बीपी का इंजेक्शन लगाते हैं, उसका कोई रिलीजन धर्म नहीं है। उसी प्रकार से रुद्राक्ष भी ऐसा है जिसको कि धर्म से, बिलीफ सिस्टम से नहीं जोड़ना चाहिए। और आप जो कुछ भी खाते हैं, जो कुछ भी पहनते हैं, जो कुछ भी पीते हैं, जिस प्रकार जिंदगी जीते हैं, जी खाली जो बोलता हूं कि इसको केमिकल से बचाइए और इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से बचाइए, इतना ही करना आपका कर्तव्य है, उसका अलावा कोई कुछ नहीं। तो आप जिस भी धर्म को मानते हो, जिस भी संप्रदाय को मानते हो, जिस भी बिलीफ सिस्टम का मानते हैं, जिसको भी आप फॉलो करते हैं, आप कीजिए, रुद्राक्ष को उससे मत जोड़िए कोई भी चीज से। रुद्राक्ष इंडिपेंडेंट एंड अबव एंड बियॉन्ड ऑल काइंड ऑफ बिलीफ सिस्टम व्हिच आर डॉग्मेटिक एंड व्हिच आर नैरो इन नेचर। रुद्राक्ष की एनर्जी बहुत बड़ा है, यूनिवर्सल है, और इसको आप पहने और उसका फल जरूर प्राप्त कीजिए। रुद्राक्ष खरीदने के लिए, रुद्राक्ष को जानने के लिए, आपको क्या रुद्राक्ष पहनना चाहिए, इसके बारे में जानने के लिए आपसे संपर्क साधन कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट को लॉग इन कीजिए www.whitelotusspiritual.com। अधिक जानकारी के लिए हमारे वेबसाइट को लॉगिन करें www.whitelotusspirituality.com। संपर्क साधने के लिए वेबसाइट में सभी लिंक दिए गए हैं। वीडियो को आप लाइक करते हैं तो शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं विंग कमांडर संतोष शर्मा, वाइल्ड लोटस स्पिरिचुअलिटी के संस्थापक। नमस्कार, खुश रहें।